आइडिया मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगा जैसे मुझे पता चला कि यू नो ऑल द मीडिया हेड्स आर कमिंग एक्चुअली एंड दे विल बी वॉकिंग द रैंप्स सो आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग दैट्स वन डिफरेंट शेड ऑल टुगेदर बिकॉज मैंने सोचा चलो ठीक है हमेशा ये लोग हमें जज करते हैं आज मैं थोड़ा सा मीडिया वालों को जज कर रहा था लाइक हाउ दे वॉक एंड ऑन सो जस्ट फॉर फन बट आई थिंक इट्स अमेजिंग इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स लिटिल डिफरेंट ऑफ वॉट यू नो वी डू इन द यूजुअल लाइफ So that's one interesting concept and idea, I guess. So that's okay. Okay. So जितने भी media वाले होते हैं, usually stars जो होते हैं, celebs जो होते हैं, वही बनाते हैं basically. Yeah. जितने सवाल होते हैं. Yeah, yeah, yeah. Yeah. सवालों के खेल में आपको फंसाते हैं. आज पहली बार उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है. वो एक celebrity के लिए कर रहे थे. क्या-क्या मुश्किलें होती हैं celebrity के लिए? आई थिंक एक दिन में तो पता नहीं चलता है कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या क्या मुश्किल होती हैं कितनी मुश्किल चीज़ों से हमें जाना पड़ता है बेसिकली बट आई थिंक इट्स ऑब्वियसली बेटर एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव एंड टू कम इनसाइड आवर शूज ऑल्सो एंड वी बी सिटिंग ओवर देयर ऑन दैट साइड काश हमें न्यूज़ बनाने को मिलती तो थोड़े से मज़े आ जाते आज पर वो हमें मिला नहीं बट एनी वे बट आई एम सो श्योर इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर देम एक्चुअली एंड इट वॉज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी दैट साइड ऑफ द thing also and yes I just the media heads I did that and jinka ye pura concept hai idea hai Varsha Sharma Jasbir Singh so ye pura idea unka socha hua jinka ye bare mein sab is idea ke bare mein aap I just want to say that Varsha and Jasmeet, it's amazing that I loved it. It's very creative and it's very new that you know you're getting all the media heads on the ramp and it's fun. I think ठीक है हमें करते रहना चाहिए fun. So it's something what they've not experienced it at all and it's they've got to experience it now. So I think that's one of the platforms you've got them to and I'm so sure they must have got a lot of fun doing this. So yeah, that's मैं प्रिया वॉरियर इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया डेफिनेटली शी इज वन आई थिंक टैलेंटेड गर्ल एंड आई हैव सीन मैंने खुद वो देखा है उनका जो सीन देखा है एंड आई फील दैट दैट्स अ ब्यूटीफुल सीन बिकॉज देयर इज अ रीजन वो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही ट्रेंड कर रही है द वे शी इज डन इट आई पर्सनली लाइक इट सो यू नो इट्स आई हैव ऑल्सो लाइक सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रिया प्रकाश एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल I wish the all the very best for her. We don't know each other at all. I have no idea. I had no idea who was she till the time she was trending on social medias. But looking at her, I think she has great potential because the entire industry has been supportive through her, to her. And there's a support from my side also. Maybe it's just a small support, but definitely it's a great support. And I wish all the very best to her. So yeah.